जैसे कई बार हम कहीं से आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में मंदिर मस्जिद या चर्च पड़ता है, तो वहाँ से भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी का असर हो सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह होती है, हॉस्पिटल होना, मंदिर होना, मस्जिद होना है, या फिर शमशान घाट होना या मूर्त घाट होना या कब्रिस्तान होना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। चलती है, लड़के की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो उस टाइम पे भी बोलते हैं हल्दी लगी हुई है, बाहर नहीं जाना है, तो उस टाइम पे भी क्या ऐसा हो सकता है नेगेटिविटी का? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और होता भी है, इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं कि हल्दी लगने के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना। उसका रीजन होता है सर, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई है, जब किसी ने जकड़ी हुई है, तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है सर? ऐसे केसेस में सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए, जब आप सोने जा रहे हो तो आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में भी कि सोते टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए और उठते ही टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब आप सोने जा रहे होते हैं और जब आप उठते हैं, इन दोनों टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। लोग जर्नल में जब सोने जा रहे होते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि वो कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें पढ़ के जा रहे होते हैं, नेगेटिव चीज़ें पढ़ के, सुन के या देख के सो रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब आप सोते टाइम आपका माइंड थोड़ा नेगेटिव होता है तो आप ऐसी नेगेटिव एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हो। जैसे आप देखो आम भाषा में कि कहीं पर किसी ने थोड़ा सा कूड़ा डाल दिया तो क्या होगा, जिसको भी मौका मिलेगा कूड़ा वहीं पर डालेगा। यही होता है हमारे साथ माइंड के लेवल पर, कि अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो जो सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जी है उसका असर हमारे पर ज़्यादा होता है। और हमें इससे बचने के लिए अपने माइंड को दिन भर भी पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि जो पॉजिटिविटी है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो नेगेटिविटी होती है वो वीक होती है और बाहर की किसी भी एनर्जी का असर जल्दी हो जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं उठना तो चाह रहा हूँ और मुझे समझ भी आ रहा है कि किसी ने मेरे शरीर को दबाया हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा याद करना चाहिए अपने बारे में। अच्छा मतलब इसका एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या भगवान की या हनुमान जी की, तो जैसे ही आप उस टाइम आपका थोड़ा सा माइंड चलेगा, आप उनको याद करने लगोगे, तो उस एनर्जी का जो आप पे प्रभाव कर दिया उसका असर अपने आप ही कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप भगवान को नहीं मानते तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई बहुत प्यार करता है, आपकी आपको मम्मी से बहुत अटैचमेंट है, तो उस टाइम अगर आपको मम्मी की याद आ जाएगी तो भी उस एनर्जी का प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उससे हमारा एक एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट होता है, और जब वो एनर्जी अच्छी होती है तो वो एनर्जी हमें मिलने लगती है जैसे हम उससे कनेक्ट होते हैं। जैसे मैंने हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, लोग बोलते हैं ना जैसे भूत आया तो वो हनुमान चालीसा का गान करने लगते हैं। असल में अगर इसके पीछे लॉजिक की बात करते हो तो लॉजिक बस यही होता है कि जैसे ही आप हनुमान, आपको कुछ भूत दिख रहा है मान लीजिए, और आप हनुमान जी की याद, हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हनुमान जी को याद कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट में हम बात करते हैं कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ पे अपना कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, आपका ध्यान जाता है वहाँ से और आपके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है। तो इसीलिए जैसे आपने हनुमान जी को याद किया तो हनुमान जी की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको मिलने लगेगी। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने खुद का भी उनका एक्सपीरियंस है कि उनको कुछ ऐसा दिख रहा था और उन्होंने ऐसी भगवान का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, वो चीज डिसअपियर हो गई, वो गायब हो गई। तो ऐसे होने का पीछे लॉजिक बस यही है। जब हमारे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है सर, तो उसके हमें क्या, मतलब कैसे पता चलेगा कि हमारे पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, इसके क्या सिम्टम्स हैं? देखो, अगर हम बात करते हैं कि आपके ऊपर या किसी के ऊपर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, तो जब ये प्रभाव होता है तो इसके कुछ सिम्टम छोड़ता है, मतलब कुछ प्रभाव। जैसे मान लो किसी को बुखार होता है तो बुखार के कुछ सिम्टम होते हैं कि भाई उसका टेम्परेचर होगा, उसे टच करने से गर्म लगेगा, उसके शरीर टूटेगा, ये मान लीजिए बुखार के सिम्टम है। ऐसे ही जब नेगेटिव एनर्जी का असर होता है तो उसके भी कुछ सिम्टम होते हैं। एक तो क्या होता है कि जब जिस पर नेगेटिव एनर्जी का मतलब प्रभाव होता है उसको ये ही नहीं समझ में आता गलत क्या है सही क्या है, उसके माइंड की जो थिंकिंग पावर होती है वही गलत हो जाती है। तो सब बोलेंगे कि ये काम गलत है, वो फिर भी वो करेगा गलत, क्योंकि वो उसके प्रभाव में होता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, मतलब अगर नेगेटिव एनर्जी का असर है तो सबसे पहले वो माइंड को ऐसा इन्वॉल्व करती है कि वो अच्छी चीज़ों से हटाती है। मतलब आपको एग्जांपल भी देते हैं कि मान लो आपको ही पहले मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था, बट जैसे ही नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है आपको कहोगे मंदिर जाने से क्या होता, पागल बनती है, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ और काम करती हूँ, तो आपकी सोच कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होने लगेगी। पहले आप
थोड़ा दान करते थे, पुण्य करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, आप सोचोगे कि क्या जरूरत है मुझे हेल्प करने की। और आप अपने ही बिहेवियर में देखोगे कि कुछ डिफरेंट हो गया है, मैं ऐसी तो थी नहीं बट ऐसी हो गई हूँ। अब बहुत बार ये आप रियलाइज कर पाते हो बट बहुत बार आप रियलाइज नहीं कर पाते, लोगों को लगता है। दूसरा क्या होता है कि वो खुद भी ना एक तो अच्छी चीज़ नहीं करना कर पाएगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि जो ये नेगेटिव एनर्जी है उसको पता होता है कि मेरी कार्ड कहाँ से है, मैं मेरे को कौन ख़त्म कर सकता है। वही नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी ख़त्म कर सकती है। तो सबसे पहले जैसे चोर होता है ना, चोर क्या करते थे पहले कि फ़ोन का तार काट देते थे, बिजली का तार काट देते थे कि अंधेरा हो जाएगा तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। ऐसी ये नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले अच्छी चीज़ों से, अच्छी जगहों से हमें डिटैच करती है, हमें हटाती है। और मान लीजिए आप मम्मी से बहुत अटैच रहती हो तो आप मम्मी की बात नहीं मानोगी, अजीब सा व्यवहार करोगी, कई बार असर होता है नेगेटिव एनर्जी का। और भी इसके कई सारे तरीके मतलब होते हैं सिम्टम में, कुछ तो ये कॉमन है। दूसरा होता है कि जब आप पे नेगेटिव एनर्जी का असर होता है तो आप चौंकते हैं, जैसे आप बैठे हो, जैसे सोने में होता है कई बार आप हड़बड़ा के उठते हैं, ऐसे हिलते हैं, आपको लगता है मैं ऐसे क्यों उठा, या अभी मैं सोने लगा था एकदम से ऐसे जागा कि जैसे मुझे किसी ने डराया हो। ये भी असर होता है नेगेटिव एनर्जी का, क्योंकि माइंड में जब आप सो रहे होते हैं तो माइंड शट डाउन कर रहा होता है अपने को, कुछ कुछ लेवल पे माइंड बंद करता है। जैसे हम फोन इसको लैपटॉप को स्विच ऑफ करते हैं तो हम तो कहते हैं हमने लैपटॉप पूरा बंद कर दिया, बट वो पूरा बंद नहीं होता, कहीं कहीं चल रहा होता है। ऐसे ही हमारा माइंड भी शट डाउन हो रहा होता है, और जब ये नेगेटिव एनर्जी असर करती है तो ये हमारे माइंड के साथ छेड़छाड़ करती है। तो चौंकना, और कई बार अलग अलग सिम्टम होते हैं इसमें। एक चीज़ ये भी है, जैसे हर बीमारी के अलग अलग सिम्टम होते हैं, पेट दर्द होगा तो अलग सिम्टम होता है पेट में दर्द, किसी को माइग्रेन हो तो सर दर्द अलग तरह का होता है, और किसी वजह से सर दर्द हो रहा है तो रीज़न अलग होते हैं। ऐसा ही एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, तो उसकी सिम्टम भी थोड़े तो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया पहला तो पॉजिटिविटी से डिटैच कर देता है, दूसरा क्या होता है कि वो ऐसे काम करता है कि जो उस नेगेटिव एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है। मान लीजिए एग्जांपल पे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, हम इसको थोड़ा सा और क्लासीफाई कर, मान लीजिए कोई आत्मा है भटकती हुई जिसे मीठा खाना बहुत पसंद था, और वो जब उसने शरीर छोड़ा उसे तृप्ति नहीं हुई, उसे मीठा का मन था बट वो मीठा पेट भर के खा नहीं पाई, मन भर के नहीं खा पाई। तो जब भी वो किसी पर प्रभाव करेगी तो उस व्यक्ति की, वो पहले चाहे मीठे को छूता भी नहीं था, अब वो मीठा बहुत खाने लगेगा। मतलब और लोगों को भी हैरानी होगी कि इसने ऐसा शुरू क्यों कर दिया, ये तो मीठे को मतलब बचपन से इसको पसंद नहीं था तो अब ऐसा क्या हो गया। ये होता है नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव। इसी का अपोजिट भी हो सकता है कि किसी को पहले मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब वो दबा के मिर्च खा रहा है, मिर्च ऐसे खा रहा है। मतलब आप जहां अपने बिहेवियर से अलग बिहेव करने लगते हैं तो यही एक कुछ कुछ सिम्टम होते हैं कि किसी ना किसी एनर्जी का प्रभाव है आपके ऊपर। अगर किसी पे नेगेटिविटी का प्रभाव है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? अगर देखो किसी पे नेगेटिविटी का प्रभाव है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल पैदा करती है। मान लीजिए आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, मतलब आपके अंदर सारी योग्यताएं हैं, बट जहां नेगेटिव एनर्जी का असर आएगा आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आप चाह के कुछ कर ही नहीं पाओगे। नेगेटिव एनर्जी एक बेड़ियों की तरह होती है, जैसे मान लीजिए आपके पैरों में किसी ने बेड़ी बांध दी तो आपकी एक लिमिटेशन हो जाती है ना, कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कोई ऐसी रस्सी या कोई ऐसी जंजीर आपके पैर में बांध दी है जो बस आप बाहर तक निकल सकते हो, अपने घर नहीं जा सकते। तो क्या होगा, आप कोशिश करते रहोगे, तड़फड़ते रहोगे कि मैं बाहर जाना है, मुझे घर जाना है, बट आप जा नहीं पाओगे। ऐसा ही होता है लाइफ में कि अगर कोई निगेटिव एनर्जी असर कर जाती है और उस पर प्रभाव है तो व्यक्ति चाहता है आगे बढ़ना, अपने को सक्सेस करना, बट वो कर नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव एनर्जी में, भाई कोई बेड़ी डाली है, कोई रस्सी बांधी है, हमें दिखेगी तो सही, नेगेटिव एनर्जी तो दिखती ही नहीं है। मतलब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप एक ऐसे चोर को पकड़ रहे हो जो दिखता ही नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों में जब व्यक्ति उलझ जाता है, परेशान हो जाता है, तो बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाती है। और क्योंकि कोई विजिबल चीज़ है ही नहीं, कौन किसको पकड़े, क्या पकड़े। अब बहुत बार लोग बहुत सारे लोगों की हेल्प भी लेते हैं बट उससे भी बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आता नहीं है। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में तो प्रॉब्लम लाएगी ही लाएगी, साथ में इसका प्रभाव दूसरों पर भी होता है। जहाँ आप नेगेटिव होते हैं आप पे एक प्रभाव होगा, तो आपसे जुड़े जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे या आपके फ्रेंड्स भी जिससे आप अटैच हो, वो उन सब पे असर करने लगेगी। जैसे कहा जाता है कि
आप दोस्तों का एवरेज होते हो, इसी तरह से अगर आप पे नेगेटिव एनर्जी होती है, आप पे प्रभाव करती है, तो ये उन 5, 7, 10 लोगों पे भी प्रभाव करेगी जो आपके सराउंडिंग है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि किसी पे किसी नेगेटिव एनर्जी का असर था, उसका फ्रेंड उससे मिलता था, पता चला उससे हटके वो एनर्जी उस पर ट्रांसफर हो गई या दोनों पे प्रभाव होने लगा। ये ऐसा होना बहुत कॉमन होता है और इसका असर फिर धीरे धीरे लाइफ में आता है और लाइफ के आपके फैमिली मेंबर्स पर भी आता है। जैसे कई बार हम कहीं से आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं तो रास्ते में मंदिर मस्जिद या चर्च पड़ता है, तो वहाँ से भी हमारे ऊपर नेगेटिविटी का असर हो सकता है। बात करते प्रीति, तो इसमें बहुत कॉमन है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो जगह होती है, हॉस्पिटल होना, मंदिर होना, मस्जिद होना है, या फिर शमशान घाट होना या मुर्द घाट होना या कब्रिस्तान होना, यहाँ पर अगर हम बात करते तो एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। तो ऐसी जगह पर अगर आपका एनर्जी सर्कल वीक है, आपका ओरा वीक है, तो आप पर उस एनर्जी का प्रभाव होना बहुत कॉमन है और ऐसा होता भी है। और ऐसा तब ज़्यादा होता है कि जब आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो फ्री है भाई, उसको कहीं नौकरी पे तो जाना नहीं है, उसे कहीं काम तो करना नहीं है। तो आपने देखा हो जैसे बहुत बार लोग लड़कियों के पीछे पड़ते थे, पहले लड़के तो क्या करते थे, बैठे रहते थे वहीं चौराहों पे या जहाँ भी पहले के टाइम में, काम धंधा तो कुछ है, कोई सुंदर सी लड़की जा रही है उसके पीछे चल दी। तो ऐसा ही ये एनर्जी करती है, क्योंकि ये वैसे फ्री है भाई, इनको फ्री विल है। और दूसरा, जहाँ आप उनको अट्रैक्टिव लगे किसी भी फॉर्म में, वो फेस की बात नहीं है कि लड़की पे लगेगा या लड़के पे लगेगा, नहीं, उसको अगर आपसे कुछ अट्रैक्शन हुआ, आपसे कुछ चाहना हुई, तो ऐसा हो सकता है कि वो किसी के भी साथ चल सकती है और वो उसके साथ घर तक भी आ सकती है, उसके घर में भी रह सकती है, ऐसा होना कॉमन है। बड़े लोग बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बाल खोल के कभी शादियों में नहीं जाना चाहिए, या दोपहर के टाइम में नहीं निकलना चाहिए, इत्र लगा के नहीं जाना चाहिए और परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, तो इससे भी कोई प्रभाव होता है? अगर हम बात करते हैं तो इनका प्रभाव होता है, दो चीज़ें इसको समझनी होगी कि अगर आपका ओरा वीक है तब तो पॉसिबल है कि इन सब की वजह से आप उस नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लो। बट अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो या बहुत कुछ आपकी जो विल है या जो हम बोलते हैं स्प्रिट आत्मा है, वो बहुत अगर शक्तिशाली है, तो आप पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी कोई प्रभाव नहीं कर सकती, चाहे आप बाल खोल के जाओ, चाहे बंद करके जाओ, या परफ्यूम लगा के जाओ या नहीं लगा के जाओ। बट आप इमोशनली वीक हो, आप फिजिकली भी वीक हो, और आप बाल खोल के जा रहे हो, आप बहुत परफ्यूम लगा के जा रहे हो, मीठा खा के जा रहे हो बोला जाता है, तो पॉसिबिलिटी है आप उस चांस को बढ़ा देते हो कि वो नेगेटिव एनर्जी आप पे अट्रैक्ट होगी। तो ऐसा गलत नहीं है कि जो बोला गया है, बुज़ुर्ग बोलते थे कि भाई बिल्कुल दोपहर को ऐसे मत निकलो, क्योंकि ये ना कुछ कुछ टाइम होते हैं जब नेचर में चेंजेस आते हैं, जैसे शाम का टाइम है जब दिन ढलता है, या सुबह का टाइम है जब दिन उगता है, तो हमारी नेचर में चेंजेस आते हैं। तो जो जैसे सुबह का बोला जाता है अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता है, वो बहुत पावरफुल होता है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। ऐसे बोला जाता है रात का 12 बजे और दिन के 12 बजे, ये दो टाइम ऐसे होते हैं जब नेगेटिव एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम निकलते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। बट फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी अगर विल मजबूत है, आप बहुत मन से बहुत स्ट्रांग हो, तो कोई भी एनर्जी प्रभाव नहीं कर सकती। बट अगर आप थोड़ा फिजिकली वीक हो, आप थोड़ा इमोशनली वीक हो, या आपका ओरा एनर्जी सर्कल वीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप पे कोई चीज़ प्रभाव कर देगी। इसको हम आम भाषा में समझ लेते हैं कि मान लो आप निकल रहे हो, बाहर जा रहे हो, और बाहर कुछ लड़के खड़े हैं, और चाहे आप मेल हो या फीमेल हो बात नहीं है, वो गुंडे जैसे हैं थोड़े से, बट वो किस पे ज़्यादा अटैक करते हैं? जो लगता है थोड़ा कमज़ोर है ना, जब उनको लगता है सामने वाला भैया हष्ट पुष्ट है और थोड़ा स्ट्रांग भी, और देखने में भी ऐसा लगता है कि मतलब तुम मार से दबेगा नहीं या डरेगा नहीं, या पढ़ा लिखा है, थोड़ा वेल नोन है, तो वो छेड़ते नहीं हैं। वो उन्हीं लोगों को छेड़ते हैं जिनसे लगता है, जैसे कॉलेज में भी होता है ना कि किन लोगों की बुली करी जाती है, जो थोड़ा सा वीक होते हैं। अब हमारे, मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, हमारा कुछ मैच आया था, ऐसा था उससे कुछ कोई कह के दिखा दो, जब प्रिंसिपल नहीं कुछ बोलता था तो और बच्चों को बोलने का। तो सेम ऐसा ही कि जब आप स्ट्रांग होते हो तो कोई चीज़ प्रभाव नहीं करती है, बट जहाँ आप वीक हो गए तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको ऐसे नहीं निकलना चाहिए।
लड़के की शादी हो रही है, लड़की की शादी हो रही है, तो उस टाइम पे भी बोलते हैं हल्दी लगी हुई है, बाहर नहीं जाना है, तो उस टाइम पे भी क्या ऐसा हो सकता है नेगेटिविटी का प्रभाव? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है और होता भी है, इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं कि हल्दी लगने के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना। उसका रीज़न होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल स्टेट में होते हो, इमोशनल स्टेट मतलब या तो आप बहुत खुश हो, या बहुत उदास हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, या आपको कोई चोट लग गई, आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये कुछ टाइम होते हैं जब आपका ऑरा वीक हो गया होता है और बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी को चांस मिल जाता है। जैसे आप अगर अपने घर का गेट खुला छोड़ दो तो कोई भी चोर को बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, अंदर घुस जाएगा आराम से, या कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला है आराम से आ जाएगा। इसी तरह से जब हल्दी लगती है या जब शादी होती है, जब फेरे पड़ रहे होते हैं, तब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, और इमोशनल ना भी हो उस टाइम आपका ऑरा वीक होता ही होता है। तो ऐसे केसेस में हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है, और ये देखा भी गया है कि ऐसे टाइम पर ये इविल स्पिरिट्स हो या कोई नेगेटिव एनर्जी हो या कुछ लोग जो गलत करते हैं उनका प्रभाव उस टाइम ज़्यादा होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का कि उस टाइम ऐसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग रिलीजियस में के सरदारों में छुरी देते हैं, है ना, और हिंदुओं में प्याज रखा देते हैं पास में। ये सारी चीज़ें इसीलिए कही जाती हैं कि कहीं ना कहीं आप इसका प्रभाव आपकी एनर्जी पे हो, आपके ओरा पे हो, और आप थोड़ा प्रोटेक्ट रहो, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी खुद की एनर्जी भी होती है कि हमारी जब एनर्जी, हमारी तो एनर्जी है ही, बट हम किस चीज़ को अपने पास रखते हैं, किस चीज़ के हम साथ रहते हैं, उसकी भी एक एनर्जी मिलकर हमें प्लस माइनस करती है। मतलब हमें अच्छी चीज़ होगी तो हमें सपोर्ट करेगी, नेगेटिव चीज़ होगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब मतलब शादी का टाइम होता है या फेरों का टाइम होता है, ऐसी चीज़ों पर तब चांसेस होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत असर कर देगी, और इसीलिए ऐसे टाइम पे अकेला भी नहीं छोड़ा जाता। उसके पीछे रीज़न यही है कि अकेला देखकर ये एनर्जी बहुत इजीली एंटर कर जाती है। जैसे सर नेगेटिविटी का प्रभाव होता है, मान लो मेरे ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी है तो मुझे पता होगा कि मेरे ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है? देखो, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, आपको हो सकता है पता भी हो और हो सकता है आपको पता भी नहीं हो। इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर आपका मेंटल स्टेट थोड़ा ज़्यादा है, अच्छा है, मतलब आप मेडिटेशन करते हो, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, तो चांसेस हैं कि आपको अगर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आप पे होगा तो आपको पता चल जाएगा। बट 90% लोगों को पता चलता ही नहीं है, वो परेशान रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा, हाँ, आपको एक बीमारी होगी, आप उसका इलाज कराओगे, वो बीमारी ठीक हो जाएगी, दूसरी बीमारी उसके पैरेलल आ जाएगी। मतलब लास्ट दिन था कि मेरा बीमारी ठीक हुई है, अगले दिन सुबह से दूसरी बीमारी आ गई, दूसरी का इलाज कराया, तीसरी आ गई, और परेशान हो जाते हैं लोग, इलाज कराते कराते अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। बट बहुत बार ये बीमारी नहीं है, वो उस नेगेटिव एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, वो कुछ कुछ रूप में आपको बता रही है कि या प्रभाव दिखा रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको, हो सकता है पता भी चले, हो सकता है नहीं भी पता चले, ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट हाँ, अगर आप चाहते भी हैं कि मुझे ऐसा पता चल जाए, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ब्रेन को बहुत डीप लेवल पे जाना चाहिए, और उसमें कुछ कुछ मेडिटेशन होता है जिसमें आप बहुत डीप चले जाते हो, जैसे विपस्सना मेडिटेशन है, ऐसे कुछ मेडिटेशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे चले जाते हो, तो आपको अवेयरनेस हो जाती है, या आप भक्ति बहुत करते हो, आप भगवान का बहुत नाम लेते हो, बहुत अच्छे से करते हो। दो तरह की भक्ति होती है, एक तो होता है आप दिखाने के लिए भक्ति करते हो, मेरे को 10 माला जाप करनी है, एक होता है आप दिल से करते हो, आपको प्यार है भगवान से, आप प्यार की वजह से उसे टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जब आप ऐसे स्टेट में होते हो तो आपका जो माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी लेता है और वो आपको बता भी देता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि मेरे पे या किसी पे नेगेटिव एनर्जी का असर होने वाला है, और ये आपको एक इन्फॉर्मेशन जैसे यूनिवर्स से मिलती है, और ये जर्नल मिलती सबको ही है। बट जैसे आप देखो कि एक इंटरनेट है, इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, बट हम सर्च करते हैं ना, हम उसे निकालते हैं, इसी तरह से यूनिवर्स में सब कुछ है, बट आप यूनिवर्स से क्या रिसीव करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका जब माइंड ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो जाता है तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब एक्वायर कर लेते हो, ऐसी पता कर लेते हो जो लोगों को पता नहीं होती है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको इवन आपके ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर भी हो रहा हो, पता चल जाए कि इन पर इस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है। देखो अगर हम बात करते हैं ये बलि देने वाला सिस्टम, बलि देने का अगर इसके पीछे लॉजिक की बात करते हैं तो यही है कि जैसे हम किसी चीज़ को डोनेशन करके किसी को खुश करना चाह रहे हैं। बहुत बार होता है कि कुछ बोल देते हैं, जैसे किसी ब्राह्मण के पास जाते हो, किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, तो वो बोलता है भाई 21 ब्राह्मणों को खिला दो, आपके घर में ये समस्या चल रही है। तो ये तो हो गया कि आप अच्छे वेज हो और आप खिला रहे हो। बट कुछ लोग जब कोई नेगेटिव एनर्जी को काटने के लिए नेगेटिव एनर्जी का ही सहारा लेना चाहते हैं तो वो ऐसी चीज़ों की बलि देते हैं जो थोड़ा सा जैसे ब्लड से रिलेटेड होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो तामसिक एनर्जी होती है, तामसिक एनर्जी ही ज़्यादा पावरफुल होती है और इनको काटने के लिए ही तामसिक एनर्जी ही चाहिए होती है। तब ऐसे केसेस में बकरे की बलि, भैंसे की बलि, मुर्गे की बलि अलग अलग तरह से देते हैं। बट एक चीज़ समझनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी, तामसिक एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी की अगर हम कंपेयर करते तो ज़्यादा पावरफुल होती है। और दूसरा, आप एक तरह से गलत भी तो कर रहे हैं कि आप अपने सुख के लिए दूसरे को भी तो मार रहे हैं, दुख दे रहे हैं। अब वो बात अलग है भाई, नॉनवेज सब खाते हैं हम, तब भी मारा जाता है। बट मेरा अगर हम अपना ओपिनियन देता हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। हालाँकि जो ये लोग करते हैं वो ये लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं ये ज़्यादा इफेक्टिव है और एकदम से इफेक्ट करता है, जैसे एलोपैथिक वाला सिस्टम है कि एक तो बीमारी को जड़ से मिटाता है, एक होता है कि आपने स्ट्रांग मेडिसिन दे दी पेशेंट को तुरंत आराम आया। तो ऐसा ही पीछे लॉजिक ये है कि जो ये जो उपासक होते हैं ये थोड़ा ये तामसिक एनर्जी को मतलब प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, इसलिए ये उनको उनको जैसे खुश करते हैं, इसलिए ये ऐसा जैसे ऐसा फूड या ऐसा आइटम उनको जैसे शराब पिलाते हैं। ये क्या है, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ मतलब उस एनर्जी को फोकस करते हैं कि जो मान लीजिए आप पे भी नेगेटिव है, वो नेगेटिव से नेगेटिव को काटना चाह रहे हैं इसलिए ऐसा करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से नहीं काटा जा सकता, पॉजिटिविटी से भी काटा जा सकता है। तो अगर आपका मन नहीं है उस तरफ जाने का और आप ये सोचते हैं कि वो ही एक लास्ट सोल्यूशन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो सोल्यूशन जो मैं समझता हूँ कि अगर आप उस एनर्जी को काटने के लिए खुद मेहनत करते हैं तो वो ही सबसे परमानेंट सॉल्यूशन है। जैसे आपका वजन बढ़ गया है, आप फिट होना चाहते हैं, दो तरीके हैं भाई। कुछ लोग तो लाइपोसेक्शन आ गया, आप जाके सर्जरी करा लो, पेट खत्म हो जाएगा। एक हो गया कि कुछ टैबलेट्स आ गई, कुछ हार्मोनल टैबलेट्स दे दी, आपका वेट कम करा दिया, कुछ स्टेरॉइड दे दिया, वेट कम करा दिया। बट अगर हम असल बात करते हैं कि राइट मेथड क्या है, कि भैया आप अपने आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करो और एक्सरसाइज करो, तो आपका वेट हमेशा के लिए आप चला जाएगा, फिट हो जाओगे। ऐसा ही ये जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर नेगेटिव एनर्जी कुछ है तो आपको उसको लिए खुद मेहनत करनी होगी। अगर आप पैसे दे के किसी से कुछ करा रहे हैं तो वो असर तो करेगा, बट वो असर करेगा खाली थोड़े टाइम के लिए। और इसीलिए बहुत बार होता है लोग एक जगह से कुछ इलाज कराते हैं, थोड़ा रिलीफ आता है, बट उनकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती। और ऐसे लोगों को मैंने सालों साल परेशान होते हुए देखा है कि वो कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, और बट उनके साथ एक प्रॉब्लम और ये भी है, या तो ये उस एनर्जी का प्रभाव बोलो या क्या, कि वो जो उनको बताया जाता है, जो उनकी खुद की मेहनत हो, वो नहीं करते। वो पैसे खर्च कर देंगे, उनको बोलो वहाँ चले जाना, वहाँ चले जाएंगे। बट अगर उनको बोला जाता है कि आप रोज 2 घंटे ऐसा जाप करें, ऐसे तपस्या करें, ऐसे मेहनत करें, तो वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी खुद की मेहनत होती है वो सबसे ज़्यादा असर करती है। जैसे सर अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव होता है तो उसके अंदर पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्यों होती है? आप देखो इसका पीछे रीज़न ये है कि एक सोल या एक एनर्जी जो आपकी खुद की एनर्जी, आप जैसे मान लो अगर हम बात बोलते हैं आत्मा है, तो एक आत्मा है। ऐसे ही जब कोई एक्सटर्नल आ जाएगा तो आप ये सोचो कि कोई जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक बैटरी से चलता है और उसमें अगर डबल बैटरी डाल दो तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज है, वोल्टेज भाई रहनी चाहिए 130 से 230 और उसे 440 कर दोगे तो क्या कहते हैं, अरे 440 का झटका लगेगा। तो सेम ऐसे वो डबल एनर्जी हो जाती है, डबल सोल हो जाती है इसलिए। और दूसरा, जो ये सोल होती है जिनके पास अपनी खुद की बॉडी नहीं होती, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो इसलिए जब भी किसी पर आती है तो बॉडी जैसे झेल नहीं पाती है, तो वो इसलिए हाइपर एक्टिविटी शो करती है। तो आप देखो कि जिस पे आ जाएगा वो बहुत ज़्यादा, या तो सर हिलाएगा जोर जोर से, और इतनी जोर जोर से लाएगा कि अगर हम हिलाएं तो हमारी गर्दन टूट जाए, वो इतनी ज़ोर से करता है और उनको कुछ भी नहीं होता। और बहुत बार देखा गया है कि वो ऐसी एक्टिंग करेगा, मतलब अपने सिवा
दीवार में सर मार लेगा, कुछ भी कर लेगा और उसको कुछ दर्द नहीं होता, उसका रीजन ये होता है कि उस टाइम वो आत्मा एक तो हाइपर स्टेट में होती है बहुत ज्यादा। जैसे आप देखो, जब आप गुस्से में हो, आप खुद गुस्से में हो, आपको उस टाइम कुछ सूझता है? आपको जब गुस्सा आ रहा होता है, सामने वाले से लड़ने लगते हो, मार देते हो। और बहुत बार देखा गया कि ऐसा ही, मतलब एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, उत्तराखंड की बात है, एक भालू आ गया। भालू किसी माँ बेटी थी, गांव की थी, तो वो माँ को पकड़ने लगा। तो उसकी छोटी बेटी, छोटी सी बेटी, मतलब शायद 12-14 साल की होगी, वो भालू के ऊपर बैठ गई और उसके बाल इतनी जोर से खींचे कि भालू डर के भाग गया। तो वो क्या था कि, और आपने कई बार देखा होगा ऐसा ही कि माँ के बच्चा उसके नीचे, टेम्पो के नीचे आ गया, उसने टेम्पो उठा दिया आगे से। तो ये क्या होता है कि आप जब ऐसी स्टेट में होते हो तो आपका माइंड पूरी एनर्जी लगा देता है। तो जैसे ही ये कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव की बात भी नहीं, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि थोड़ी शांत होती है, बहुत बार अच्छी आत्माएं आती है और शांत बैठ जाती है, पता भी नहीं चलता। बट ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है और यह बहुत ज़्यादा हाइपर स्टेट में होती है। तो ये इसलिए ऐसा रिएक्ट करती हैं, इनको बहुत गुस्सा, कोई सामने आ जाएगा इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी, वजन उठा देंगी। जैसे एक एक मूवी भी है ना, भूल भुलैया, उसमें वो पैड उठा देती है, फिर कहती है क्या हुआ। तो ये सारा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो दो दूसरी सोल है, जो दूसरी एनर्जी हो, वो हाइपर स्टेट में है और विदाउट बॉडी है, वो अब बॉडी में आ गई है, तो इसलिए ज्यादा ऐसे रिएक्ट कर रही है। सर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, मजाक में बोल देते हैं या फिर सीरियसली में भी बोल देते हैं कि कुछ नेगेटिविटी होती है तो बोलते हैं कि ये एनर्जी मेरे ऊपर आ जाए, तो ऐसा होता है कि वो उसके ऊपर चली जाती है? देखो, एनर्जी आने के दो ही तरीके होते हैं कि जैसे आपके घर में कोई आएगा तो दो तरीके हैं, तो बाहर से गेट खोल के आ जाए या आप अंदर से गेट खोल दो। तो जब आप ये कहते हो कि हाँ एनर्जी मेरे पास आ जाए, तो आप असल में क्या कर रहे हो, आपने एक गेट तो खोल दी, आप तो उसको कॉल कर रहे हो। और आप चाहे भले ये कह रहे हो कि अच्छी एनर्जी आ जाए, अच्छी एनर्जी की तुम्हारी गुलाम है या तुम्हारी वो है कि हाँ भाई मैं अच्छी हूँ तो मैं ही आऊँगी, आपने गेट खोल दिया तो कुत्ता भी आ जाएगा, है ना, घोड़ा भी आ जाएगा या कोई इंसान भी आ जाएगा। उस टाइम क्या होता है कि आपने एक एक अपने को एक मैसेज दे दिया अपने ओरा को कि वो ओरा खुल गया कि आप कोई भी एनर्जी आ सकती है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा हो कि कुछ मूवी में भी दिखाते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, मोमबत्ती जला के आत्माओं को बुलाते हैं, आत्माओं को बहुत बार अच्छी आत्माओं को बुला रहे होते हैं बट आ जाती है बुरी आत्मा। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं अपने को थोड़ा ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए, बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं, उस टाइम उनकी बॉडी में ऐसी सोल आ जाती है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और एक प्रॉब्लम और है कि अगर कोई सोल किसी बॉडी में एक बार एंटर कर ले, एक्सटर्नल सोल, भाई हम भी सोल हैं, हम भी आत्मा, बट कोई दूसरी आत्मा अगर किसी शरीर में एंटर कर ले, तो चांसेस हैं उसमें दूसरी और आत्माएं भी एंटर कर सकती हैं। जैसे किसी के घर में एक चोर ने अगर रास्ता बना लिया, तो पॉसिबिलिटी है कि दूसरे चोर भी बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो हमें कभी भी ना तो ये कहना चाहिए कि हमारे अंदर कोई एनर्जी आ जाए। देखो, हम चाहते हैं अगर ऐसा, तो हमें उसके लिए बहुत सारे अलग तरीके भी होते हैं, हमें उसके लिए मेहनत करनी होती है। बट ऐसे ही बरवली बोल देना या सोच लेना, तो ये कई बार बहुत खतरनाक होता है। और वो एनर्जी इतनी पावरफुल भी हो सकती है कि आपको हिला के रख दे। और ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव ही होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी होती हैं और पॉजिटिव को भी हम कॉल कर सकते हैं। बट वो एक्सपर्ट पर्सन हो अगर आप, तो अगर आप भाई शुरुआती हो, आपको कुछ ABCD पता नहीं और आप बोल लो मैं एनर्जी चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसी हालत कर देगी वो कि आप ना मरो में रहोगे ना जिंदों में। बहुत बार ऐसे कुछ लोग पागल हो चुके हैं खाली इसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, कि किसी वो ऐसे ही कुछ कर रहे थे, किसी एनर्जी को कॉल कर रहे थे और वो एक ऐसी एनर्जी आ गई जिसने ब्रेन को पूरा डिस्टर्ब कर दिया और वो फिर मेंटली सिक ही हो गए। वो आजकल पता नहीं कहाँ है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा सुना गया है कि वो या तो मर जाते हैं बहुत जल्दी या फिर वो मेंटली इल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो जैसे कहा जाता है ना कि चक्रा को जागृत नहीं करना चाहिए, कुंडलिनी जागृत के लिए कहा जाता है ये वर्डी, कि कुंडलिनी अगर कोई आम लोग जागृत कर ले, कोई आम आदमी बिना गुरु के जागृत करना चाहे तो पागल हो जाएगा। सेम ऐसा ही होता है एनर्जी से भी, कि आप अगर इसके एक्सपर्ट हो तब बात अलग है, अगर आप इसके एक्सपर्ट नहीं हो, आपको उसकी ABCD पता नहीं है और आपने किसी एनर्जी को ऐसे ही बोल दिया और वो आ गई, तो फिर क्या होगा किसी को भी नहीं पता और उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक एनर्जी जो गलती से आपके पास आ गई,
मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, वो अट्रैक्ट होके आपके पास आ गई, उसे निकालना, और एक जो आपने कॉल करके बुलाई है उसे निकालना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इतना डिफरेंस है कि उसे हटाना आसान है, जो कॉल करके बुलाई है उसे हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एनर्जी होती हैं या पॉजिटिव एनर्जी होती हैं, तो क्या वो हमारी हेल्प भी करती हैं? अगर हम बात करते हैं, हाँ हेल्प करती हैं, और कमाल की बात है दोनों ही हेल्प करती हैं, नेगेटिव भी हेल्प करती है, पॉजिटिव भी हेल्प करती है, बट दोनों के अलग तरीके होते हैं। अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी बोल रहे हो, बट वो हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जी वैसे नेगेटिव है बट आपके लिए नेगेटिव ना हो, और वो आपको हेल्प करेगी, और जो पॉजिटिव है तो हेल्प करेगी ही करेगी। बट इसकी हेल्प को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते कि ये पॉजिटिव एनर्जी आ गई तो हमारा ये काम बन जाएगा। बट ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ जाती है तो आपका स्टेट एक अलग लेवल पे माइंड चला जाता है, और आपकी सक्सेस बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा आपको गाइडेंस भी देती है, आपकी हेल्प भी करती है। जैसे बोला जाता है, पूर्वजों के लिए बोला जाता है, पितरों के लिए बोला जाता है कि भाई हमारे घर के पितर हैं वो हमें हेल्प करते हैं। वो पितर क्या, कि आपके फैमिली के ही बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनमें से कोई ऐसी सोल है जो अभी भी एनवायरनमेंट में घूम रही है और उसको थोड़ा अटैचमेंट होता है आपसे कि ये मेरे परिवार के मेरे नाती पोते हैं, तो वो बहुत बार हमें हेल्प भी करती है। बट हम, क्योंकि ये चीज़ विजिबल नहीं है, कोई इनका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो हम एग्जैक्ट कुछ भी नहीं इसके बारे में बात कर सकते। बट ये है कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी भी हेल्प करती है और बहुत बार नेगेटिव एनर्जी भी हेल्प करती है। बट ये होता है कि वो हेल्प क्यों कर रही है, उनके पीछे उसका क्या है, और वो कब तक कर रही है, कब नहीं करेगी, ये कोई कुछ नहीं जानता, और इसके बारे में कुछ स्पेशली नहीं कहा जा सकता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।